सबसे पहले उपचुनाव की खबर के साथ मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग देखने को मिल रही है। विजयपुर में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन होगा। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत आज नामांकन भरेंगे और नामांकन रैली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वक्त मौजूद रहेंगे। बुधनी में कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन रैली, कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल अपना नामांकन भरेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी उस वक्त मौजूद रहेंगे। तो नामांकन का दौर अब शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन तो एक तरफ, बीजेपी प्रत्याशी का भी नामांकन। तो चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प होती जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी का भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो उपचुनाव की बात अगर करें तो विजयपुर में रामनिवास रावत वर्सेस मुकेश मल्होत्रा के बीच मुकाबला है, जबकि रमाकांत भार्गव बुधनी से और राजकुमार पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी बुधनी से बनाए गए हैं। इन दोनों के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव जहां पर रामनिवास रावत के नामांकन में शामिल होंगे, तो इसके अलावा जीतू पटवारी अपने कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन करते दिखाई देंगे। तो बिल्कुल दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है और इसकी जंग पूरी तरह से छिड़ती हुई अब नजर आएगी जब नामांकन रैली और ये तमाम, चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो, कांग्रेस का प्रत्याशी हो, जब नामांकन दाखिल करेंगे तो दिग्गज नेता उस वक्त मौजूद रहेंगे। तो विजयपुर और बुधनी दो ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश की जहां पर उपचुनाव होने हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही उपचुनावों का ऐलान हुआ, जिसमें दो मध्य प्रदेश की सीटें भी शामिल हैं। विजयपुर वो सीट जहां से रामनिवास रावत ही पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन रामनिवास रावत जैसे ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होते हैं इसके बाद ये सीट खाली होती है। और बात करते हैं बुधनी की, तो शिवराज सिंह चौहान यहां से विधायक थे, लेकिन अब विदिशा के सांसद बनने के बाद बुधनी की सीट भी रिक्त हुई और जिसके बाद अब उपचुनाव यहां पर किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से दोनों ही पार्टियां अपनी तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की तैयारी में, कितने बजे नामांकन रैली होने वाली है, नामांकन रैली में शामिल होगा कौन कौन शामिल होगा और कितने बजे? बिल्कुल, देखिए अगर हम साफ तौर पे बात करें तो इस दोनों ही जगह पे, खासतौर पर अगर हम बात करें विजयपुर में दोनों ही पार्टियों की, तो आज दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। रामनिवास रावत की बात करते हैं, रामनिवास रावत का जो नामांकन शो होगा वो मेगा शो होने वाला है, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। डॉक्टर मोहन यादव के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर उसमें पहुंचने वाले हैं, ग्वालियर के तमाम बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कई सारे बड़े चेहरे आज रामनिवास रावत के नामांकन रैली और रोड शो में शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है पूरी ताकत भाजपा झोंकती नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस प्रत्याशी की, तो वो भी जो है आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उनके साथ भी कभी काफी बड़ी संख्या में नेता रहेंगे, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, जयवर्धन सिंह, ये तमाम बड़े चेहरे रहेंगे। और जैसा शुरू में लग रहा था कि कहीं कांग्रेस पिछड़ रही है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रही है, चाहे विजयपुर की बात करें या फिर बुधनी की बात करें। हालांकि बुधनी में कल नामांकन दाखिल होगा रमाकांत भार्गव का, और इसमें भी काफी सारे बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे वी डी शर्मा या फिर शिवराज सिंह चौहान की बात करें। पर आज जो है विजयपुर में पॉलिटिकल रोड शोज और नामांकन रैली नजर आने वाली है। जी, विजयपुर में इस बार देखिए बेहद दिलचस्प समीकरण भी देखने को अनुराग मिलने वाले, क्योंकि रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे, पहले कांग्रेस से ही विधायक भी बने, लेकिन इस बार वो बीजेपी के खेमे में, कितना कुछ परिवर्तन इस दौरान देखने को मिलेगा जब दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने होंगे। रामनिवास रावत का जब सामना होगा कांग्रेस से और जीतू पटवारी से। देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब कोई आमने सामने होता है, पुराना साथी जब प्रतिद्वंदी बन के सामने होता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी तस्वीर बदलती नजर आती है। लेकिन हमने ये देखा है, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा अच्छा इतिहास रहा है, कोई कहीं भी जाए लेकिन एक समन्वय नजर आता है, इस तरह से कोई दुर्भावनाएं नजर नहीं आती, ठीक ठाक तरीके से लोग मिलते हैं आपस में। आरोप प्रत्यारोप का दौर अलग बात है, राजनीति सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर वो नामांकन के लिए मुख्यालय पर एक दूसरे के साथ नजर आते हैं या एक दूसरे का आमना सामना होता है, तो निश्चित रूप से एक सद्भावना के साथ ही मिलते हैं। हालांकि ये जरूर है कि रामनिवास रावत का झटका जो है उससे कांग्रेस अभी उबर पाई नहीं है। बिल्कुल, अब देखना होगा। पॉलिटिकल वैसे भी कहते ही है कि मतभेद भले ही हो लेकिन मनभेद ना हो, और यही वजह है कि अब जब दोनों आमने सामने होंगे तो किस तरह की स्थितियां बनेंगी, फिलहाल देखना होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।